चलिए शुरू करते हैं। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं फेस टू फेस क्लासेस लेता हूँ या जब मैं मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, तो अक्सर स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम का समाधान आज हम करने वाले हैं कि जब हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, आप पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, फाइनली एक साल पढ़ाई करते हैं या 6 महीने आपने पढ़ाई की, अब आपका पेपर देने का टाइम आया, ठीक है ना, और पेपर में आपको मिले मात्र 3 घंटे। अब 3 घंटे के अंदर पूरा 6 महीने का निचोड़ निकलना भाई आपका, सीधी सी बात है, समझ रहे हो। पूरे साल भर आपने पढ़ाई की, साल भर पढ़ाई करके, 6 महीने पढ़ाई करके, ठीक है ना, अब आपको सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिलेगा। आपको उस 3 घंटे के अंदर आपको ये प्रूव करना है कि भाई हाँ, हमने साल भर पढ़ाई की है, ठीक है ना, हमने 6 महीने के लिए पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे दिक्कत की प्रॉब्लम ये है कि यार, जब पेपर आपके पास आता है, टीचर ने आपको पेपर पकड़ा दिया, ठीक है ना, टाइम आपका स्टार्ट होगा कि ये लो बेटा पेपर, अब करें क्या, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, या तो उसको पीछे से शुरू कर देंगे या उसको आगे से, ठीक है ना, या कोई बीच में से शुरू कर देगा। एक मतलब उनको समझ में ही नहीं आता कि पेपर कहाँ से शुरू करें, ठीक है, और पेपर को सबसे अच्छा तरीका सोल्व करने का क्या होता है। अक्सर आपको पूरा पेपर आते हुए भी ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा 2 नंबर का रहेगा, मेरा 4 नंबर का रहेगा। टॉपर्स तक, जो टॉपर होते हैं ना, उनकी भी ये प्रॉब्लम होती है कि सर अगर मेरे को 2 मिनट और ज़्यादा मिल जाती, भाई 2 मिनट क्यों मिल जाती, ठीक है ना। आपको एकदम सबको देखो इक्वल टाइम मिलता है, ठीक है, और इक्वल टाइम मिलता है वही 3 घंटे में आपको पेपर करना है। क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं, सबको 3 घंटे का टाइम दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि 3 घंटे के अंदर उस पेपर को बेस्ट तरीके से कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की भी बात आती है, और ये भी बात आती है कि जब पेपर आपको मिलता है तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। ये चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो एकदम से अच्छे से देखना है। चाहे आप 11th में हों, 12th में हों, कॉलेज में हों, CA करते हों, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए मेथड सेम रहेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आपको पेपर हाथ में मिला, ठीक है ना, जैसे ही आपको पेपर मिला तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप लगा देना है। पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट क्वेश्चंस जो आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में 20 आए, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, 20 में से सेलेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है ना, सिर्फ देख के, ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आया हुआ है और मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, पता लग जाएगा कि भाई ABCD करके ये अमाउंट, अच्छा ये क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, जितने भी हैं उनको सेलेक्ट कर लो जो आपको 100% आते हैं। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि उनको अच्छे से सोल्व करना है। इसमें कई बेनिफिट होते हैं, ठीक है ना, कई बेनिफिट होंगे आपको। एक तो ये कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो भाई मैंने 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, 12 नंबर मेरे पक्के हो गए, ठीक है ना। और एक और मजे की बात है, ध्यान से सुन लो, क्या ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, टाइम की प्रॉब्लम जिन बच्चों के साथ रहती है वो ध्यान से सुन लो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है तो हमेशा उसका डबल टाइम देना चाहिए, 8 मिनट दो, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है कि भाई 4 नंबर का क्वेश्चन 8 मिनट में सोल्व नहीं हो रहा है, 8 मिनट लग गए अब इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, छोड़ दो क्वेश्चन को वहीं पे, उसके लिए थोड़ा सा छोड़ देना पेज वेज जो भी है, आपको लगे कि बाद में मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन को 8 मिनट से ज़्यादा देने ही नहीं है, चाहे आपको आता भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो अगर पूरा पेपर करना है तो, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या होएगा, जब जैसे कि मान लेते 3 क्वेश्चन आपको पूरे आते हैं 4-4 नंबर के, तो 12 नंबर, और अगर कोई चीज़ आपको आती है सेम टू सेम आपके बुक से उठ के आई हुई है, आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं वो उठ के आई हुए हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ ये 12 नंबर का जो पेपर है ये आपको 24 मिनट के अंदर सोल्व करना चाहिए था, ये आप 15 मिनट के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम भी बच जाएगा, आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर भी आपके पूरे आ गए और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ स्टेप नंबर 1 पे ही। बहुत सारे क्या करेंगे, ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देंगे, 10 नंबर का, 15 नंबर का या 8 नंबर का। अब उनको लगता है कि यार ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ, अब उस क्वेश्चन को जब सोल्व करने बैठते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, या कहीं पे छोटी मोटी बड़े क्वेश्चन होते हैं आपको पता ही है, उसमें छोटी मोटी गलती होना स्वाभाविक है। 15 नंबर का क्वेश्चन आया पेपर में, छोटी मोटी गलती होगी, उसने दिमाग खराब कर दिया, अब उससे आपको टाइम भी वेस्ट होगा आपका, और स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा कि यार ये चीज़ थी और लग भी रहा था कि ये बात रो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करें, ठीक है ना, कि वे क्वेश्चन सेलेक्ट करें जो 100% आता है, वो भी छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं, छोटे क्वेश्चन। ओके सर, ठीक है, उसके बाद ये होगा, स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। फिर जितने भी 1-1 नंबर के आपके, आप अपने एग्जाम में देख लेना कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं,
आपके क्वेश्चन एक एक नंबर के आ सकते हैं पेपर में, दो दो नंबर के भी हो सकते हैं, तीन तीन नंबर के भी और चार चार नंबर के भी। इसके बाद ये सारे छोटे क्वेश्चन है ना, ये सोल्व करने हैं आपको, लेकिन इनमें वे क्वेश्चन होने चाहिए सारे जो आपने चैप्टर कर रखे हैं उनमें से आए हुए हैं, सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या लगता है आपको कि भाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन सोल्व करते चले जाओ, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि लगता है कि नहीं सोल्व कर सकते, तो उसमें माथा पट्टी नहीं करना, उसको छोड़ दो उसी टाइम पे। ऐसा नहीं कि दिमाग खराब कर लो अपना, दिमाग खराब करना ही नहीं है पेपर में भाई, कॉन्फिडेंस लूज करना ही नहीं है। जहां पे कॉन्फिडेंस लूज हुआ, दिमाग खराब हुआ, वहीं पे समझो पेपर फिसल गया आपके हाथ से, गया, ठीक है ना। एक बार कॉन्फिडेंस गया तो समझो फिर एकदम दिमाग हिल जाता है, पूरा घूम जाता है, चाहे आपने कितना भी पढ़ा लिया, समझ रहे हो। तो क्या करना है आपको, एक एक नंबर के क्वेश्चन, दो दो के, तीन तीन के और चार चार नंबर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, लेकिन वे क्वेश्चन जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने ये चैप्टर कर रखे हैं, यहां से इस चैप्टर का क्वेश्चन आया हुआ, बस आपको चैप्टर देख के लग जाना है। और अगर लगता है कि सोल्व नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उसको उस टाइम पर छोड़ दो, जरूरी नहीं है सोल्व करना इनमें से भी, ठीक है ना। ऐसे करते करते आपका ना एक जगह बन जाएगी कि भाई आपने कितने कितने क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हो ऐसे करके, ठीक है। बाकी आप सोल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या है, फिर आप छः छः नंबर के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं या आठ आठ नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद वो सोल्व करो आप, और कौन से, ठीक है ना, जो आपको या तो आपने चैप्टर कर रखे तो उनसे आए हुए हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो, जो चैप्टर आपने किए हुए हैं उनसे आए हुए हैं, वही सोल्व करने हैं, खाम खाई के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनमें भी वे क्वेश्चन जो आपको आते ही नहीं है उनको अलग से निकाल लो, ठीक है ना। मतलब अलग से निकालने का मतलब ऐसा नहीं कि पेपर से उठा के लिख लो, कहने का मतलब उसको छोड़ दो, ठीक है, और पेपर में टिक करते रहो, भाई मेरा ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा, या जैसे भी आपको लगे अच्छा लगे, ठीक है। स्टेप नंबर फोर में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फोर में सबसे बड़े क्वेश्चन अब करने हैं आपको, और बड़े क्वेश्चन करने का भी एक सीक्वेंस है आपका, क्या, सबसे पहले वे क्वेश्चन करने बड़े क्वेश्चन के अंदर। मान लेते तीन क्वेश्चन दे रखे बड़े क्वेश्चन, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो तीन में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, ठीक है नहीं, तो आपको रैंकिंग बना लेनी है कि सबसे ज्यादा मेरे को अच्छे से कौन सा आता है, ये 100% आता है, तो 100% जो आता है पहले वो करो, उसके बाद लगता है कि ये वाला वो चैप्टर है जो मैंने कर रखा है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देख के मतलब अगर मैं ध्यान से अच्छे से करूँगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर उसको सोल्व करो, ठीक है ना। उसके बाद जो बिल्कुल आता ही नहीं है तो उसको या तो अलग निकाल दो, थोड़ा बहुत भी आता लगता है कि यार नहीं 10% 20% लगा, उसको अलग से निकाल दो। अब सारा पेपर लगभग आपका हो चुका है, लगभग आपका 90% पेपर हो चुका है भाई, पढ़ोगे तो 90% तो सोल्व हो ही जाएगा ना, ठीक है ना। अब आपका 10% पेपर बच गया, 10% के अंदर यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चन, अब रिमेनिंग क्वेश्चन आपको कैसे करने चाहिए, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लिख लो क्या होता है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसके अंदर गिवन लिख लो खुद, मतलब आप कि भाई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन ये है, सब कुछ लिख लो, फिर उसको देखो कि आप इसको कैसे सोल्व करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लो कि भाई इसमें मांग क्या रखा है, ठीक है ना। और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप उसको डील कर लोगे बिल्कुल शांति से, क्योंकि आपका 90% पेपर सोल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपको बाकी का पोर्शन जो आप छोड़ के आए हो, वो आपका 10% पोर्शन या जो क्वेश्चन आप छोड़ के आए हो, वो क्वेश्चन गिवन लिख के और उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के धीरे धीरे करके आप सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइम भी काफी बच जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम भी काफी बच जाएगा, क्योंकि देखो पेपर 3 घंटे का आता है, ठीक है ना, नॉर्मली हर जगह 3 घंटे का ही पेपर आता है, ठीक है। तो 3 आवर्स का पेपर हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में कितना, 180 मिनट, कितना हुआ 180 मिनट, क्लियर है, याद रखना, ठीक है ना। 180 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर सोल्व करना है, ठीक है ना, 180 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर सोल्व करना है। अब इसमें ना जितना हो सकता है आपको टाइम बचाना है, टाइम कैसे बचाना है, अगर इस सीक्वेंस में करोगे तो आपको आपको टाइम बचता चला जाएगा, जैसे कि यहां 15 मिनट लग गई, टाइम बच गया, ऐसे कर करके आपको टाइम बच जाएगा बहुत अच्छा खासा, मैं गारंटी देता हूँ। हो सकता है कि ये 90% पेपर आप 2 घंटे में सोल्व कर दो, ठीक है ना, और 2 घंटे में सोल्व करने के बाद पूरा 1 घंटा बच जाए, ठीक है ना। कहते हैं कि जब आपके पास पूरा एकदम अच्छे से टाइम होता है, कई बार आपके साथ ये हुआ होगा कि आप पेपर में एक क्वेश्चन करके आए, वहाँ नहीं निकल रहा था, आपने वो चैप्टर कर भी रखा था और दिमाग खराब होगा, कभी कहीं गलती हो रही है, कभी कहीं गलती हो रही है, लेकिन जैसे ही आप घर पर आए, घर पर आप उसको सोल्व कर दोगे, क्यों, क्योंकि दिमाग एकदम शांत है, ठीक है ना, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो वैसे ही जब आप 90% पेपर सोल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपका दिमाग एकदम शांत होगा, आप गारंटीड है, ठीक है ना, कि ऐसे जो क्वेश्चन आपके बाकी के बचेंगे उनको भी अच्छे से डील कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर कैसे सोल्व करना है, ठीक है ना, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो ये थे आपको बेस्ट तरीका किसी भी पेपर को सोल्व करने का स्टेप वाइज,
इसको लिख लो एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चाहे इलेवेंथ में है, ट्वेल्थ में है, बीकॉम में है, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, दी बेस्ट मेथड है ये करने का, पेपर सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये लगता है, ठीक है, कि भाई मेरे पास कम टाइम है सर, मैं जॉब करता हूँ सर, ठीक है ना, और जॉब करते हुए मेरे को पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ऐसे में तो मैं मतलब 100% सिलेबस नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं 100% पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता, हम लोग तो एक महीने की छुट्टी लेते हैं, उसी में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ऐसे में तो हमें सिलेक्टेड जो है, ठीक है ना, क्वेश्चन ही पता होने चाहिए। तो इसके भी तरीके मैंने आपको अपने वीडियोज में बता रखे हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है ना, कि भाई आप बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, वे क्वेश्चन चैप्टर सेलेक्ट कर लो, सिर्फ वो करके चले जाओ, कैसे कैसे वो सारी बातें दे रखी हैं, ठीक है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या इस तरीके के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना। हमेशा शॉर्ट्स देखो, हर एक शॉर्ट्स के अंदर मैं छोटी छोटी ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है, उनको मोटिवेट करती हैं, कुछ फैक्ट्स जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आज की चीज़ें ठीक होंगी, इसको एक बार लिख लो, ठीक है, फिर हम लोग खत्म कर देते हैं इसको।